उनको खुद समझ में नहीं आता कि हम बोल क्या रहे हैं, और शायद हमको लगता उनकी बात भगवान ने सुन लिया कि बाहरी को भगाओ, तो बाहरी को बाहरी को जनता ने भगा दिया इस बार भगा दिया। तो उन सारे बातों को भूल करके जो जिन्होंने दिया भी मुझे वोट और जिन्होंने नहीं भी दिया, सब लोगों को साथ लेकर के चलना है। आप रहेंगे मुजफ्फरपुर? निश्चित रूप से, हम तो एकदम यहाँ पर घर ले लिए हैं और लगातार रहेंगे, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मुजफ्फरपुर में ही रहेंगे। और 5 साल सेवा करके उस चीज़ का कर्ज उतारे कि उन्होंने जो जिस जो जीत हमें दिलाई है वो इनको करके दिखाना है कि हाँ, जो भरोसा मिला है वो करना है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज, मेरा नाम अभिषेक है। हमारे साथ बिहार में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतने वाले, 2,34,000 से अधिक वोट से जीतने वाले बीजेपी के प्रत्याशी मुजफ्फरपुर से राजभूषण निषाद हैं। बिहार में 2 लाख से जीतने वाले एकमात्र प्रत्याशी हैं, आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत बधाई यहाँ की महान जनता को कि उन्होंने मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता पर विश्वास जताया, और अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को भी बहुत बहुत आभार कि उन्होंने यहाँ कार्यक्रम किया और लोगों में अच्छा एक जो संदेश गया उनके द्वारा। मुझे लगता है कि यहाँ की जनता को और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के तमाम साथियों को मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। अच्छा, 2 लाख से ज़्यादा एकमात्र जीतने वाले, इसकी कितनी खुशी है? बिहार में एकमात्र सांसद हैं, बड़े बड़े नेता भी 2 लाख पार नहीं कर पाए बिहार में। ये यहाँ की जनता की जीत है और इसलिए मैं उनको ये देना चाहूँगा आभार कि उन्होंने मुझे जिताया है। अच्छा, आपको बहुत पहले टिकट मिल गया था, 25 से 26 तारीख को टिकट मिल गया था आपको, 24 तारीख को टिकट मिल गया था, और आपने हर एक क्षेत्र में घूमे, इसका काफ़ी फ़ायदा आपको मिला? निश्चित तौर पर, हम लोग शुरू से ही होली के पहले मुझे टिकट मिला था और होली में भी हम लगातार यहाँ लोगों के बीच मिलते रहे। लगातार टिकट फाइनल होने के बाद हर क्षेत्र में जा कर के हम लोगों से मिले, आशीर्वाद लिए उनका, और परिणाम अब देख ही रहे हैं कितना अच्छा। अच्छा, पिछली बार बाहरी का नारा देकर आपको हरा दिया गया, इस बार बाहरी का मुद्दा चला नहीं लगता है? देखिए, कुछ लोग हैं जिनका काम ही होता है, अनर्गल उनके पास कोई मुद्दा नहीं था, क्योंकि कोई काम करना नहीं था तो अनर्गल आलाप करते हैं। खुद हाजीपुर में जा कर के वोट गिराते हैं बड़े भैया, और हम तो पिलखी में वोट गिराए हैं, सब लोग जानते हैं, तो इनको खुद समझ में नहीं आता कि हम बोल क्या रहे हैं, और शायद हमको लगता उनकी बात भगवान ने सुन लिया कि बाहरी को भगाओ, तो बाहरी को बाहरी को जनता ने भगा दिया इस बार भगा दिया जी। अच्छा, अब तो जीत गए हैं, काफ़ी चुनौतियाँ हैं, काम नहीं करिएगा तो जनता वोट नहीं देगी, मुजफ्फरपुर में कह दिया है जनता ने। आप देख ही रहे हैं, 10 साल से सांसद थे, टिकट कटा, लेकिन दूसरी पार्टी से टिकट ले आए, तब भी जनता ने उन्हें भरोसा नहीं जताया। आप पर जनता ने भरोसा जताया है तो किस रूप में? निश्चित तौर पर, हम लोग काम करने वाले लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का ये सिस्टम रहा है कि काम करने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाती है, नाम वाले लोगों को नहीं। नामदार की कोई जगह नहीं यहाँ पर, काम करने वाले लोगों की को प्राथमिकता दी जाती है, और निश्चित तौर पर हम लोग सब मिल करके मुजफ्फरपुर के लिए जो भी बेस्ट करना होगा हम करने के लिए तैयार हैं, ना रुकेंगे ना थकेंगे, लगातार हम लोग काम। स्मार्ट सिटी है, एयरपोर्ट की मांग है, कई सारे मुद्दे हैं, एम्स कहाँ से लाएंगे कई लोग कह रहे हैं, कैसे होगा? देखिए, जहाँ तक एयरपोर्ट का सवाल है, वो टेक्निकल इश्यूज है, हम लोग उस पर लड़ेंगे ना, निश्चित रूप से लड़ेंगे, और आने वाले 1 मंथ में ही हम आपको दिखेगा कि हम जा करके मंत्रालय मिल करके संबंधित मंत्रालय से जा करके जो टेक्निकल इश्यूज हैं उसको समझेंगे और उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा, उस पर हम लोग लगेंगे। तो जो भी समस्या यहाँ की है उन सारे समस्याओं को एकदम चरणबद्ध तरीके से हम लोग लग करके एक्सपर्ट से राय लेकर के क्या बेस्ट सॉल्यूशन होना चाहिए और उस पर लगेगा। स्मार्ट सिटी भी काफ़ी लंबित समय से काम तो हो रहा है लेकिन बहुत धीमी गति से हो रहा है। देखिए, उसके लिए जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी, एक एमपी का करना का काम होता है, तो आने वाले दिनों में हम लोग उसको मॉनिटरिंग करके उसको स्पीड अप भी करेंगे, काम को गति भी प्रदान करेंगे और साथ साथ काम की क्वालिटी को भी हम लोग प्राथमिकता देंगे, और आने वाले दिनों में आपको मुजफ्फरपुर एक स्मार्ट सिटी बनेगा। जीत का श्रेय किसे देंगे? मुजफ्फरपुर की महान जनता को और हमारे एसओसी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को। काफ़ी जीत हो गई,
अच्छा, कुछ लोग भीतरघात की बात कहते हैं, लगातार ये सवाल बना रहता है भीतरघात वाला, लेकिन इस बार भीतरघात को जवाब मिल गया क्या? देखिए, ये बहुत बड़ा चुनाव होता है और बहुत सारे लोग, बहुत विचारधारा के लोग होते हैं, बहुत सारी बातें होती है, तो उन सारी बातों को भूल करके जो जिन्होंने दिया भी मुझे वोट और जिन्होंने नहीं भी दिया, सब लोगों को साथ लेकर के चलना है और मुजफ्फरपुर का विकास करना है। इन विवादों में नहीं पड़ना है हमको कि कौन दिया कौन नहीं दिया। मुझे तो लगता है सब लोगों ने दिया वोट, और मुजफ्फरपुर का विकास कैसे हो मैं इस पर काम करूँगा, ना कि कौन भीतरघात किया। मैं इन निगेटिव चीज़ों पर काम नहीं करता हूँ कभी। अच्छा, बीजेपी ने बिहार में कई जगहों पर टिकट बदले, 3 जगहों पर बदले थे, जिसमें से एकमात्र आपकी जीत हुई है, बक्सर बिहार गए। आपको लोग कह रहे थे कि 4 लाख से हारने वाले कैंडिडेट को बीजेपी ने किस वजह से टिकट दे दिया। सवाल तो था, 4 लाख से आप हारे भी थे, आपको टिकट मिल गया और जीत भी गए। देखिए, हम लगातार लोगों से मिल रहे थे, हारने के बाद भी लोगों के साथ हम काम कर रहे थे। बीच में कोविड में कुछ डिस्टर्ब ज़रूर हुए थे, क्योंकि एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन के नाते, एक जिम्मेवार जो नागरिक होता है उसकी जिम्मेवारी होती है कि सरकार द्वारा बनाए गए नियम को पालन करें। तो बीच में कोविड में दो साल डिस्टर्ब रहा, क्योंकि सरकार का ये गाइडलाइंस था कि अनावश्यक बहुत लोग गैदरिंग ना करें, तो हम लोगों ने उनका पालन किया, और इसलिए बीच में थोड़ा मेरा मूवमेंट घटा था। अब रहेंगे मुजफ्फरपुर? निश्चित रूप से, हम तो एकदम यहाँ पर घर ले लिए हैं और लगातार रहेंगे, अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मुजफ्फरपुर में ही रहेंगे। और जनता का समस्या होगी तो कुछ बताइए जनता को, अगर मान लीजिए अभी समस्या होगी कुछ, या कुछ आपसे बातचीत करने को कैसे होगा संभव? देखिए, आने वाले दिनों में हम सारा सिस्टम बना, चूँकि आप सब जानते हैं कि हम टेक्निकल लोग हैं, तो टेक्निकल ढंग से हम लोग काम करेंगे। नंबर जारी करिएगा? नंबर जारी करेंगे, और हर विभाग से संबंधित, शिक्षा से रिलेटेड मामला हो, चिकित्सा से हो, रोड की बात हो, हर विभाग का अलग अलग नंबर जारी करेंगे हम, ताकि संबंधित नंबर पर ही कॉल करें और वैसे लोग अधिकृत किए जाएंगे जो उनकी समस्याओं को सुने और उचित प्लेटफॉर्म पर फॉरवर्डिंग करें, और हम उसको संज्ञान लेकर के एकदम समयबद्ध तरीके से काम करके उसको सॉर्ट आउट करेंगे। महिलाओं के वोटे जीत गए हैं, महिलाओं ने वोट दिया है, आपने मेहनत की थी, बोचहां इलाके में हम मुलाकात भी हुई थी, जिता दिया आपने जी। अब सबसे पहले तो मैं मुजफ्फरपुर की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगी, आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें जिताया है, ये हम सब की जीत है। और मुझे बहुत खुशी है कि आज हमको ये मौका मिला है कि जो वादा मैंने लोगों से किया जब मैं सब लोगों से मिली कि हम लोग उनके लिए निरंतर काम करेंगे अगले 5 साल, तो वो आशीर्वाद हमें मिला है उनके वोट के माध्यम से। तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, दिन रात निष्ठा से काम करेंगे कि हम उनके उस पर खड़े उतर पाएँ जिसके लिए उन्होंने हम पे भरोसा जताया है। और यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी का कभी मान हम लोग घटने नहीं देंगे, क्योंकि जो महिला शक्ति का जो मुझे साथ मिला है वही मुझे बल देता था। वही जिताया भी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो फील्ड में जाके लोगों से मिलके मुझे पता चला कि महिला शक्ति सब यशस्वी श्री शक्ति का वोट मिला है। निश्चित रूप से मातृशक्ति जरूरी है, मातृशक्ति का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद रहा है, और उन्होंने एकदम नरेंद्र भाई मोदी ने जो काम किया है उस काम को याद रखा है। महिलाएं, माताएं बोलती थी कि पुरुष कहीं जाएगा, लेकिन हम लोग तो जो काम किया है नरेंद्र भाई मोदी, अगर कमल छाप से हैं तो बैठिए, और नहीं तो चले जाइए। आपके पति 2 लाख से अधिक वोटों से जीतने वाले बिहार में एकमात्र सांसद हैं इस लोकसभा में, इसका जी, इसके लिए तो मैं सबसे पहले तो पूरी जनता को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे पति को इतना बड़ा उपहार दिया 2 लाख से ऊपर की जीत दे करके। और अब मुझे इनसे यही कहना है कि ये उस चीज़ के लिए अब लोगों का 5 साल सेवा करके उस चीज़ का कर्ज उतारें कि उन्होंने जो जिस जो जीत हमें दिलाई है वो इनको करके दिखाना है कि हाँ, जो भरोसा मिला है वो करना है। बिल्कुल, देखिए, पूरी भाजपा लगी और पूरे जो मुजफ्फरपुर के लोग हैं और जितने आम आवाम हैं, सभी लोगों ने डॉक्टर साहब पर भरोसा किया है, नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा किया है। क्या मांग करते हैं अब 2 लाख से अधिक वोटों से जीते हैं? बिल्कुल, 2,35,000 से यहां से जीत के जा रहे हैं, बिहार में तो टॉप किए हैं डॉक्टर साहब, और हम लोग का एक मांग होगा कि इनको मंत्रिमंडल में और कुछ अच्छा इनाम दिया जाए। इनाम दिया जाए तो आप देख सकते हैं किस तरीके से, क्या दो सबसे ज़्यादा वोट से जीते हैं जी। बिल्कुल, मुजफ्फरपुर में डॉक्टर साहब
जो चुनाव जीते हैं। मलाह का वोट मिला है कि नहीं? मलाह का वोट हमारा समझ से लगभग 50% इनको मिला है, क्योंकि इनका जो व्यक्तित्व है वो सबके सामने आया है। हम लोगों को ये विश्वास है कि आने वाले समय में इनका जो काम करेंगे। क्या मल्ला का वोट दिलवा दिए ना? बिल्कुल, मेहनत कर रहे थे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और जिस समय हम लोग काम करना शुरू किए थे मुजफ्फरपुर जिले में, तो मल्लाह का वोट ऐसा लग रहा था, सबसे ज़्यादा अगर किसी जाति में गड़बड़ी था तो वो था हम लोग के सहनी समाज में। और उस समय 10 मिल गया ना, बिल्कुल 10% से हम लोग स्टार्ट किए। किसी किसी पंचायत में मैं 75-80 तक गया हूँ, और औसत लीजिएगा फिर भी 60% प्लस में हूँ। और इसमें निश्चित रूप से ऐसी बात हुई है, और सभी लोगों ने समाज में आप आते हैं, और कहा जा रहा था कि इस बार वही समाज आपको नहीं देगा, लेकिन उल्टा हो गया। देखिए, अब समाज के लोग सब लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, और सब समझते हैं लोग कि कौन मेरा हितैषी है, कौन मेरे लिए काम करने वाला लोग हैं। तो और जिस तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी गरीब परिवार के लिए जो उत्थान करने का काम किया है, आयुष्मान कार्ड हो या अंत्योदय के तहत जो राशन देने का काम किया है, गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं चली हैं। तो हर समाज बढ़ चढ़ करके, खास करके निषाद समाज जो कि आर्थिक रूप से पिछड़ा है, तो इनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट भी मिला है इस मामले में। तो लोगों ने इस समाज ने जिताया है जी, निश्चित रूप से हर समाज का ये रहा है, और निषाद समाज की भी अच्छी भागीदारी है। 60-70% लोगों ने हम पर भरोसा जताया है। धन्यवाद। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है, बिहार में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतने वाले, 2 लाख से अधिक आंकड़ा किसी ने पार नहीं किया इस लोकसभा में। ऐसे में इस लोकसभा चुनावों में 2,34,000 से अधिक वोटों से राजभूषण निषाद चौधरी जीते हैं। जीतने के बाद उन्होंने कई मुद्दों को लेकर बातचीत की है। साफ साफ कहा, निषादों का वोट भी मुझे मिला, सारे समाज ने, सारे तबके ने मुझे वोट दिया, महिला शक्ति भारी रही। ऐसे में अब देखने वाली बात हुई कि कितना काम करते हैं। इन्होंने साफ साफ कहा है, एयरपोर्ट की समस्या को लेकर जो टेक्निकल इशू है उसको लेकर 1 महीने में हम इसके बारे में जानकारी लेकर शॉर्ट आउट करने की बात कही है। देखते जाइए, बने रहिए लाइफ इट इज़ के साथ।